हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर। मतलब आपको एंगल को मेजर करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। यूजिंग द प्रोटेक्टर मतलब प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको एंगल को मेजर करना है। प्रोटेक्टर ये वाला होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, याद रखिएगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, एंड राइट डाउन द मेजर। मतलब उसके बाद आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल निकालना है और उसके बाद लिख देना है जितना मेजरमेंट आता है, मतलब कितना एंगल आ रहा है वो लिख देना है आपको। तो फर्स्ट ए का करते हैं हम लोग। तो ए का क्या है, ये मैंने प्रोटेक्टर लिया है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल है यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट प्रोटेक्टर को ऐसे रख दूंगी, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रखूंगी इस पॉइंट के ऊपर। तो इस और ये वाला जो लाइन दिया है, ये वाला लाइन उसको रख दूंगी इस लाइन के ऊपर जो 0 डिग्री में है, ये लाइन के ऊपर, हमेशा याद रखिए। तो पॉइंट को मैंने पॉइंट के ऊपर रखा और 0 को 0 के ऊपर रखा, फिर कितना एंगल आया यहाँ पे आपको मेजर करना है, कितना एंगल हो रहा है। ये वाला एंगल जैसे आया मेरा 45 डिग्री। देखिए ये वाला जो बीच में क्वेश्चन में ये जो बीच का है ये यहाँ पे है, तो देखिए ये 45 डिग्री में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर करके लिखना है, तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा 45 डिग्री। हमेशा याद रखिए मेजर करके, प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करके आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। तो फिर से यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखूंगी, ये पॉइंट यहाँ पे रखूंगी, ये वाला लाइन 0 डिग्री में, ये जो नीचे का लाइन है इस डिग्री में रखूंगी। तो देखिए मैंने ये 0 डिग्री में रख दिया और लाइन के ऊपर ये रख दिया प्रोटेक्टर। तो अब देखिए ये वाला लाइन कहाँ पे, ये वाला एंगल यहाँ से देखिए ये कौन से में आता है, इस लाइन में जा रहा है ये, तो ये वाला लाइन कहाँ पे आ रहा है, 120 डिग्री। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन में ये जो लाइन है, ये वाला देखिए ये किस में आ रहा है, 120 डिग्री में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 120 डिग्री। हमेशा याद रखिए डिग्री देना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एंगल है, जैसे मैंने आपको बोला था सबका यूनिट देना है, तो यहाँ पे आपको डिग्री देना है। तो ये वाला क्या है, ये वाला 0 डिग्री में फर्स्ट रखूंगी, तो यहाँ पे देखिए मैं 0 डिग्री में इसको रखती हूँ। पूरा एग्जैक्ट आपको रखना है, देखिए ये वाला पूरा मैंने प्रॉपर रखा, तो ये वाला एंगल कहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा है, मतलब एरो जैसा, तो वो एरो जैसा किस लाइन के ऊपर है, ये वाले लाइन के ऊपर है एरो जैसा 90 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो वैसे ही डी का करना है, डी में क्या है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट ये वाला मैंने 0 में रखा, यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा किस में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला 60 में आ रहा है। हमेशा याद रखिए यहाँ से आपको जब दिया होगा एक्यूट एंगल या जो भी दिया होगा, नीचे वाला का आपको लेना है 90 से बिलो अगर होता है, नीचे वाला लेना है, मतलब 0 डिग्री 10 डिग्री, अगर वो 90 से ज्यादा है तो आपको नीचे वाला यहाँ पे दिल जो दिया है 100 110 ये वाला डिग्री लेना है। और यहाँ पे भी आपको दिया है 0 10 20, देखिए यहाँ पे भी आपको दिया गया है, तो आपको अगर यहाँ पे जैसे उल्टा एक्यूट एंगल दिया है, मतलब ये वाला क्या है एक्यूट एंगल है, लेकिन ये वाला 90 डिग्री, अगर इसका 90 डिग्री होता तो ये स्ट्रेट होता है, ये तो ये क्या है 90 डिग्री से कम है, तो इसमें हमको ऊपर वाला लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नीचे वाला लेंगे तो देखिए नीचे वाला तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री तो ये होगा नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, तो आपको नीचे वाला लेना पड़ेगा। तो नीचे वाला कितना है, ये देखिए ये एरो ये वाला लाइन है किसमें आ रहा है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कौन सा डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने 0 पे रखा ये वाले लाइन को, और ये वाला एक लाइन दिया है 90 डिग्री में, ये वाला, तो ये कितना आया 90 डिग्री। उसके बाद ये एंगल कितना आता है,
ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसको जीरो करते, ये वाला स्ट्रेट लाइन होता, स्ट्रेट लाइन होता तो ये 90 डिग्री होता। सॉरी, ये वाला स्ट्रेट लाइन इस साइड नहीं होगा, इस साइड होगी, ये वाला है ना, तो ये वाला इसका स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे ऐसे होगा ये स्ट्रेट लाइन। अगर यहां से ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला क्या है, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा ये। तो यहाँ पे देखिए मैं एंगल बना दे रही हूँ, ये कौन से लाइन में जा रहा है, इसके लिए अभी देखिए कौन से में जा रहा है, ये 135 में जा रहा है। ये देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन कहाँ पे जा रहा है, 145 में जा रहा है। ऐसे देखिए ये वाला लाइन 145 में जा रहा है ये लाइन, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा, 145 डिग्री। ये वाला देखिए, सॉरी 135 डिग्री, 135 में है तो ये होगा 135 डिग्री। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ, ये जीरो, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे दोनों पॉइंट मैच करना है, तो दोनों पॉइंट मैंने मिलाकर रख दिया। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से रख दिया दिखाने के लिए आपको, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 135 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये एंगल भी दिख रहा है, 135 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 135 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज मेजर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में, विच एंगल मतलब, विच मतलब कौन सा एंगल हैज अ लार्ज लार्ज मेजर, मतलब कौन से एंगल का लार्ज माने बड़ा मेजरमेंट मतलब मेजर है, माने किसका बड़ा एंगल है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, मतलब फर्स्ट आप एस्टिमेट करिए उसके बाद मेजर करिए, तो कौन सा देखने में हमको कि कौन सा बड़ा लग रहा है, ये इस साइड है, ये मतलब यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे है, मतलब यहाँ से थोड़ा इतना बड़ा है, तो बी बड़ा होगा, वो हमने एस्टिमेट किया। अब हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना है और एंगल बी कितना है। तो एंगल ए का मैं लूंगी, एंगल ए देखिए, एंगल ए 40 डिग्री है, पूरा पूरा प्रॉपर 40 डिग्री है। ये वाला देखिए, ये वाला जो एरो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला देखिए 40 डिग्री में आता है, तो एंगल ए कितना है, 40 डिग्री। तो एंगल बी अब निकालना है, एंगल बी कितना है, पूरा प्रॉपर आप लाइन के ऊपर रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। तो एंगल बी आ रहा है 60-70 के बीच में, मतलब 65 से ज्यादा। ये वाला जो एक देखिए बड़ा लाइन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये 65 है, तो 66 के आसपास आ रहा है बी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिवन है आपको, तो यहाँ पे लिखिएगा 66 के आसपास आ रहा है। तो ये वाला थोड़ा मतलब, ये जो 40 है ये प्रॉपर निकल गया है, मतलब पूरा एग्जैक्ट निकला, सेम टू सेम, मतलब जितना एंगल आ रहा है उतना ही मैंने लिखा। एंगल बी मतलब थोड़ा आगे पीछे है, अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया, क्योंकि एंगल बी देखिए, एंगल बी पूरा प्रॉपर पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 60 से ज्यादा, 65 से ज्यादा है, 70 के बीच में, तो ये वाला यहाँ पे बन रहा है, तो 66, 67, 68 उसके आसपास आ रहा है। जब भी आपको एंगल दिया जाएगा जो एग्जैक्ट, जैसे 40 में है, 40-45, ये तो प्रॉपर पता चल जाएगा, और जो अगर उसके आसपास मतलब 66-77 ऐसे है, तो वो आगे पीछे थोड़ा होने से प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा आंसर। तो आपको अगर 90-65 ऐसे दिया तो आप पूरा प्रॉपर आंसर लिखिएगा। अभी मैंने यहाँ पे 66 लिख दिया। उसके बाद दिया है विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, मतलब कौन सा एंगल का बड़ा मेजरमेंट, मतलब ये कौन सा बड़ा डिग्री है 66। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 60, एंगल 66 किसका आया, एंगल बी का, तो एंगल बी
हैज अ विच एंगल काट दूंगी, विच काट दूंगी यहाँ पे क्वेश्चन में, एंगल बी यहाँ लिख दूंगी। तो एंगल ये वाला जो होता है एंगल का साइन होता है, एंगल बी हैज अ लार्ज मेजर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फ्रॉम दीज टू एंगल, मतलब ये जो दो एंगल दिया है उससे देखकर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है। फ्रॉम दीज टू एंगल, ये दोनों एंगल से विच हैज लार्जर मेजर, मतलब इन दोनों में से कौन सा लार्जर मेजर है, मतलब कौन सा बड़ा मेजर है, मतलब कौन सा बड़ा एंगल है। एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम, पहले एस्टिमेट करो अंदाजा लगाओ, उसके बाद मेजर करो और कंफर्म करो। एस्टिमेट माने अंदाजा लगाओ, एंड देन कंफर्म उसके बाद कंफर्म करो बाय मेजरिंग देम, मेजर करने के बाद, मेजर करने से मेजर करो उसके बाद कंफर्म करो। तो ये वाला दो एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल फर्स्ट, ये वाला अगर मैं एस्टिमेट करती हूँ तो ये वाला एस्टिमेट करने से मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है 45 डिग्री के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसे होता तो ये 90 डिग्री होता, तो 90 का आधा है ये देखिए, तो मेरे को लग रहा है ये 45 होगा, और ये होगा 45 से थोड़ा ज्यादा 50 के आसपास होगा मुझे लग रहा है। तो मैंने ये एस्टिमेट किया, उसके बाद क्या करना है, मेजर करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट में ये पॉइंट रखूंगी फर्स्ट, तो ये वाला देखिए, ये वाला प्रॉपर 40 डिग्री है, तो ये वाला कितना निकला 40 डिग्री। उसके बाद ये वाला बनाना है, इसके बाद ये वाला देखना है, चेक करना है कितना एंगल है। तो देखिए ये वाला होगा 55 के आसपास, 55-54 के आसपास हो रहा है, ये वाले यहाँ पे 55 बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 55 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हुआ, ये 55 डिग्री हुआ, तो 40 और 55 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे उसके बाद दिया है विच फ्रॉम दीज टू एंगल विच हैज लार्ज मेजर, मतलब कौन सा बड़ा है। तो एंगल बी, एंगल बी तो दिया नहीं है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी द सेकेंड फिगर, ये वाला जो सेकेंड फिगर है, तो विच को यहाँ पे काट दूंगी, फ्रॉम दीज टू एंगल द सेकेंड फिगर फिगर हैज लार्ज मेजर। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम दीज टू एंगल्स द सेकेंड फिगर हैज लार्ज मेजर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।